सबको एक नया वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग एक स्पेशल प्लेस आ गया है ना शशि। हाँ। नाम क्या थी? गाटी। हाँ, इधर तो एक फेमस टेम्पल है गाटी सुब्रमण्य। तो हम लोग सोचा हम लोग एक बार विजिट करेंगे करके, बहुत बार सुना है तो अभी तक नहीं आया था, तो सोचा हम लोग इधर आ गया। बच्ची तो उधर खड़ी है, उधर तो पार्क किया है, तो हम लोग अभी वॉकिंग करके, चप्पल सब इधर छोड़ दिया है, तो हम लोग सीधे अभी वॉकिंग करके जाएंगे। पहली बार हम लोग विजिट कर रहे हैं, तो पूजा का सामान इधर तो ले लिया, 100 रुपीज़ पे किया है ना। तो आगे जाएंगे हम लोग, दर्शन करेंगे। उधर अंदर का कुछ भी मालूम नहीं है, वीडियो ले सकते हैं यहाँ। तो अभी टेम्पल के आसपास तो हो गया, तो हम लोग आगे जाएंगे फिर बात करेंगे, है ना। तो उधर देख लो मंदिर आगे, उधर से एंट्री है, तो उधर है ना। तो अभी हम लोग टेम्पल विजिट किया, अंदर तो वीडियोग्राफी तो नॉर्मली तो अलाउड नहीं है, वी आर ऑल्सो फॉलोइंग द रूल्स, ओके। तो हम लोग विजिट कर, जल्दी हो गया, इतना रश कुछ भी नहीं है, अंदर जाकर हम लोग बाहर आ गए। इधर से एक बार शोशु दिखाते, देख लो बाहर से हम लोग ले सकते हैं ना। तो अब एक बार पूरा टेम्पल का बाहर से एक्विशन आप लोगों को दिखा रहे हैं, देख लो। ये तो इधर ये तो हमारी उधर से गाटी सुब्रमण्य के लिए अराउंड 70 किलोमीटर है। तो ये तो सुब्रमण्य स्वामी का टेम्पल है ना। तो अभी हम लोग हैप्पी से दर्शन, हैप्पी से या पता नहीं, दर्शन तो हो गया, तो हम लोग आगे जाकर बात करेंगे, है ना शशि। हाँ। तो हम लोग आगे जाएंगे, फिर मिलेंगे। इधर भी बहुत बंदर सब है फ्रेंड्स हमारा, तो है ना शशि, उधर है तो आगे जाएंगे। तो ले लो हैंड ओवर द कैमरा। तो वॉकिंग करके हम लोग उधर पार्किंग किया है, एक्चुअली इधर तक आ सकते थे हम लोग, है ना। इधर आते तो ये भी एक स्पेशल हम लोग देख रहे हैं ना, कहीं भी हम लोग इतना देखा नहीं, इतना नागदेव का बहुत है इधर, वो भी इधर एक स्पेशलिटी है। वो तो मंदिर के अंदर नहीं है, बाहर साइड में ऐसे ही है, वो भी हम लोग थोड़ी देर इधर भी प्रेयर करके जाएंगे करके प्रार्थना के लिए आ गया। तो वो एक बार देख लो, ये तो एक वेराइटी है ना शोशु, कोई भी टेम्पल में इतना तो हम लोग देखा नहीं है। हवा चल रहा है ना।
तो आगे जाऊं तो हम लोग इधर दर्शन सब हो गया तो आगे जाएंगे अभी। ओके आज इतना कुछ भीड़ कुछ भी नहीं है, है ना। चार पांच लोग अभी अभी थोड़ी थोड़ी लोग आते रहते हैं, पहले इतना नहीं था। तो हम लोग दर्शन हो गए, देखो इधर हाय एक अच्छी प्लेस है इधर अंदर अंदर, थोड़ा विलेज साइड तो आना पड़ेगा, तो अच्छा लग रहा है इधर का पूरा बाहर का सब। फिर एक ही प्रॉब्लम क्या होते हैं ना, कोई भी कभी कभी कुछ कुछ मंदिर में जाते तो हमारा एक एक फीलिंग क्या होते है करके सभी जगह ओनली एक बिजनेस हो गया बहुत, क्योंकि सभी टेम्पल के बारे में नहीं बोल रहे। मैक्सिमम कुछ कुछ जगह हम लोग विजिट करते तो मन में इतना फीलिंग होता है। अभी अभी क्या होता है ना, ये भगवान का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है करके सब कैसे पैसा बनाऊँ वैसे ही है। हम लोग इधर आने से ही क्या हो गया, हम लोग एंट्रेंस उधर आते तो हम लोगों को पहली बार आ रहे हैं, उधर तक तो स्कूटर भी जा सकते हैं। तो उधर एक आदमी ऐसे खड़े होकर इधर पार्क करो, हम लोग सोचा पार्किंग प्लेस होगा करके। तो पार्किंग करने से क्या बोलते हैं, अभी ये देखने के लिए उनकी शॉप इधर यही है, इधर से पूजा सामान ले लो। ठीक है, पूजा सामान है कुछ भी हम लोग भगवान को देना है तो हमारे मन से हम लोग हैप्पी से हम लोग चाहिए तो लेकर जाते हैं। ये तो जबरदस्ती की तरह हो गया है ना, गाड़ी पार्क करने की वो पार्क भी किया, हम लोग क्या सोच रहे पार्क भी किया, क्या करूँ मजबूर हो गया करके। उसने क्या है ना, देख लो दो नारियल है कुछ भी नहीं, एक पाँच रुपये भी नहीं, एक चार अगरबत्ती डालकर कुछ क्या है, कुछ भी नहीं, 100 रुपीस क्या बोलो हम लोग। एक्चुअली मैं बोल सकती हूँ नहीं चाहिए करके, फिर भी मेरे मन में मंदिर के उधर आ गया, हम लोग सुबह सुबह इतना पॉजिटिव एनर्जी आ गया तो क्यों झगड़ा करूँ, उनको जीने दो, शायद उनको कुछ मजबूरी है तो हम लोग दे दिया 100 रुपीस। फिर भी मैं बोल रही हूँ वो ठीक नहीं है, जो कोई भी मंदिर आते तो उनको चाहिए तो ले लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं करने का। ऐसे ही टू व्हीलर हम लोगों को पहली बार ऐसे पार्किंग करते तो हम लोगों को मालूम ही नहीं है ना इसके बारे में, ऐसा नहीं, मदद करना है तो मदद करना, लेना है तो लेना, ये एक ही बात। हम लोग बहुत उधर जाते, सब भी एक नहीं बोल रहे, फिर भी मैं बोल रही हूँ इसकी वजह से हम लोग है ना बहुत हम लोगों को मन में फीलिंग होता है। और एक बात क्या होता है ना, कुछ कुछ मंदिर में हम लोग अंदर सब जाने से हम लोग है ना रूल्स फॉलो करते हैं, कोई वीडियो लेते नहीं कुछ भी नहीं, हम लोग यूज़ ही नहीं करते। और क्या होती है ना कुछ कुछ जगह है ना बर्ताव भी कुछ पोलाइटनेस भी फीलिंग नहीं होता क्या, और भी क्या होते प्रसाद सब है तो एक बिजनेस की तरह, ये पूरा ले लो पैकिंग करके इतना का नहीं, वो आने वाले को क्या चाहिए, वो हैप्पी से वो लोग एक 20 रुपीस भी कुछ प्रसाद लेते तो वो हैप्पीनेस फीलिंग होता है। हम लोगों को वैसे बोलते हैं ले लो। और भी क्या है ना कुछ कुछ जगह पर स्टाफ वगैरह खड़े होते हैं ना रास्ता दिखाने का, पहली बार आते तो कन्फ्यूजन भी होते तो पूछते तो जाओ यही जाओ ऐसे कुछ अच्छा नहीं। मंदिर हो या कहीं भी जगह हम लोग है स्पेशली मंदिर क्या होते हैं पॉजिटिव एनर्जी, भगवान का वासस्थल है तो कैसे बिहेव करना चाहिए। पोले कोई भी पहली बार आ गया उनका कुछ भी कन्फ्यूजन है तो इधर से जाओ ऐसे। उधर कभी कभी एक दो लोग अच्छे भी थे है ना, कुछ लोग भी अच्छे हैं कुछ भी वैसे ही है तो क्या होती है सब है ना उनका बर्ताव के लिए थोड़ा ट्रेनिंग होना चाहिए ना। कई जगह जाते तो यही मैंने फेस किया है, ये बर्ताव में कोई पोलाइट में मेरा डाउट क्या है ना, हम लोग भगवान के पास जाते तो भगवान है इतना हम एक रेस्पेक्ट वो अलग होता है ना फीलिंग सबका, वही जगह बैठ कर ऐसे ही काम करते तो क्या विश्वास वो लोग करते हैं उनके पास है ना, भगवान का विश्वास करते तो उनके पास रहते तो कितना पोलाइट होना चाहिए। हम लोग दूर दूर से पेट्रोल या सब खर्च करके उनको देखने के लिए हम लोग दर्शन के लिए आते तो ये लोग उनके साथ ही रहते हैं ना मॉर्निंग से इवनिंग तक तो कितना पोलाइट होना चाहिए। कीप वॉच स्टे ट्यून, फीलिंग होते तो बोलना चाहिए ना। सभी जगह हम लोग मैं सेफ जोन करके कुछ बोलते ही नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा। आगे जाएंगे हाय। तो अभी हम लोग घाटी सुब्रमण्यम का दर्शन हो गया, सब कुछ हमारे साथ आप लोग भी देख लिया, छोटा मोटा हम लोग प्रॉब्लम भी एक्सप्लेन किया है क्योंकि वो सभी जगह हम लोग फेस कर रहे हैं तो बोलना चाहिए ना, वो भी हमारा धर्म होते हैं ना। सभी जगह आकर सब कुछ हाँ 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 बोल भी नहीं सकता तो हम लोग ब्लॉग करते तो ये सच्चाई भी बोलना चाहिए ना।
तो हाँ आप लोग हमारे साथ दर्शन किया होगा। तो ये हुलीमावु प्लेस का नाम है, गाट्टी सुब्रमण्य टेम्पल है। तो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून, आगे आगे अच्छा वीडियो लेकर आएंगे।